आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए भाई, ये है बिल्कुल भी नेचुरल छतरी, यानी कि पहले जमाने में लोग ऐसे छतरी को यूज करते होंगे। हाई कर दीजिएगा, ब्लॉग चल रहा है। इंग्लिश प्लीज। दिस इज अ ब्लॉग। ओहो, चोरों से सावधान भाई साहब, चोरों से सावधान। अपना अपना जेब अपने अपने हिसाब से रखे। तो फाइनली हमारे सुयेब भाई भी आ चुके हैं और आज हम लोग जानने वाले कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत पता है कि आदिवासी दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, बट वो जो बोला जाता है ना परफेक्टली वाला, वो चीज़ नहीं पता है। तो आज उन्हीं लोग से पूछेंगे और पता करेंगे। सो चलो सुयेब भाई, और हमारे अंदर क्यूरियसिटी जागी हुई है ये जानने के लिए कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। नहीं भाई, चेन ठीक नहीं हुआ, चेन का मसला बहुत ऊपर तक जाने वाला है। हाँ चल चल, औरत जैसा चढ़ते हो यार तुम। चलो भाई साहब, फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं आदिवासी दिवस के मेले की तरफ, जहाँ पे आदिवासी दिवस में सारे लोग इकट्ठे होते हैं। ये जेल मोड़ पार्क है ना, जेल पार्क वहाँ पे। और मुझे पता है गाइस, आदिवासी लोग ना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? वो लोग को ना कभी आप धर्म के नाम पर या आपसी मुठभेड़, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए कभी नहीं देखे होगे। लेकिन जैसे अगर कोई नेचर या नेचर परिवर्तन की बात आ जाए तो वो लोग अपनी जान को दांव पर भी लगा सकते हैं। यानी कि वो है तो जल जंगल जमीन है, और जल जंगल जमीन है तो हम है भाई साहब, समझ सकते हो। मतलब वो लोग सिर्फ नेचर के लिए, जल के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए, इन सब चीज़ों में वो लोग आगे रहते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करने बोलो तो भाई वो लोग आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लोग को मतलब है तो सिर्फ नेचर से, जो सबको होना चाहिए मतलब, जल से जिसे सबको होना चाहिए मतलब, जमीन से जिसको सबसे होना चाहिए मतलब। तो वो लोग बस इन चीज़ों से ही मतलब रखते हैं, और वो लोग कभी अपने धर्म के एकता को टूटने नहीं देते हैं। तो ये कुछ चीज़ है जो कि आदिवासी लोगों में अच्छा है भाई साहब, मेरे हिसाब से। इसलिए मुझे आदिवासी लोग बहुत पसंद है। इवन मेरे कितने सारे दोस्त लोग हैं आदिवासी लोग। यहाँ से जाम लगना शुरू हो चुका है गाइस, काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग आ भी रहे हैं। पता नहीं हम लोग सही टाइम पर जा रहे हैं या नहीं, वो देखते हैं भाई। आज हम लोग आदिवासी दिवस मना पाएंगे कि नहीं, वो भी मेरे को नहीं पता, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं भाई साहब। फाइनली मैंने पेट्रोल ले लिया है, अब चलते हैं। और यहाँ पे देखो भैया, जेडएक्स टेनार लेके कहाँ जा रहे हैं भाई साहब। ओ भाई, क्या आवाज़ है इसका यार, खतरनाक भैया। ओहो आई यार, ड्रीम बैक ऐसे ही नहीं कहलाता है ये। एग्जॉस्ट वहाँ पे एस्केलेटर लेके किया जाता है और मेरा धड़कन तेज होता है भाई। चलो गाड़ी को हमने रोड के किनारे पार्क कर दिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है भाई साहब, क्राउड बहुत ज्यादा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे। चलो पैदल चलते हैं, क्योंकि बगल में ही है ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है जेल पार्क, इसके अंदर ही सारा प्रोग्राम हो रहा है। चलो फाइनली भाई साहब, हम लोग मेन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ देख सकते हो क्या खतरनाक क्राउड है भाई साहब। काफी सारे लोग जा रहे हैं, काफी सारे लोग आ रहे हैं, बट हम लोग तो जा रहे हैं अभी। और ये गेट है, यहाँ से हम लोगों को एंट्री मिलता है कि नहीं ये भी देखते हैं भाई साहब, क्योंकि हम लोगों का ना गेटअप अलग है। हो सकता है ऐसा कुछ रूल हो कि गेटअप अलग वाले एंटर नहीं कर सकते, बट देखते हैं क्या होता है। जाकर रोकेंगे तो फिर कुछ बहाना बनाएंगे, हम लोग रिपोर्टर वगैरह अंदर जाने दीजिए। नहीं भाई, कोई गेटअप वाला यहाँ पे इशू नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं। मैंने आपको बोला ना भाई, आदिवासी लोग का दिल बहुत बड़ा है। देखो ये जो है ना, ये हमारे झारखंड सरकार है। देखो भाई साहब, ये है भगवान बिरसा मुंडा जी का सबसे बिगेस्ट स्टैचू, और नीचे पानी है, और देख सकते हो पानी में कैसे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। चले क्या सुयेब? जूता पहन के, हम लोग जूता पहने हुए तो यहाँ नहीं जा सकते दोस्तों। बाकी आगे देखते क्या क्या होता है भाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आदिवासी दिवस में आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं भाई साहब। एक तो इतना क्राउड है यहाँ पे, ऊपर से मेरा हेलमेट फंस जा रहा है भाई साहब, ऊपर से इस हेलमेट को संभालना बहुत मुश्किल वाला काम है मेरे लिए। चोरों से सावधान भाई साहब, चोरों से सावधान। अपना अपना जेब अपने अपने हिसाब। मनाया जाता है। मैं उधर जा रहा हूँ, कुछ लड़की को देख रहा हूँ खड़े आराम से, उन लोगों से जाके पूछता हूँ। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे। अच्छा, मतलब और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा? ये तो मेरे को पता है, ये इतना तक तो मेरे को पता है, बस मुझे ये जानना है कि मतलब पूरी तरीके से कहानी क्या था, किस क्यों यहाँ पे जो है ना आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, नहीं पता आपको? आपको भी एक्सप्लेन नहीं करना, मेरे को पता है, बट हम भी एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे, इसलिए हम सोच रहे कुछ लोगों से पूछ लो ताकि मुझे भी अच्छा आइडिया हो जाए। आ जाओ इधर पूछते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? हमको नहीं पूछी है। नहीं, इनको भी नहीं पता भाई साहब। और किन से पूछ लो,
और किनसे पूछूं, एक बार भैया से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी भैया, आपसे क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा मेरे को बता सकते हैं कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये हम लोग का जो पूरा वर्ल्ड का आदिवासी लोग है जी, तो 1994 में इसका स्थापना हुआ। अच्छा, तो उसी का उपलक्ष्य में इसको बनाते हैं। हर एक जगह का आदिवासी को वो एक करके उसका हक अधिकार के लिए अधिकार लेते हैं, और ये सारा जल जंगल जमीन के लिए। हाँ, जल जंगल जमीन। चलिए भाई साहब, मैंने आपको बोला था ना कि आदिवासी लोग ऐसे हैं जो धर्म के मामले में कभी भी लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन अगर नेचर और परिवर्तन की बात आ जाए तो फिर ये अपने जान को भी नहीं देखते, वो फ्रंट आके उसके लिए आवाज उठाते हैं। चलिए शुक्रिया भैया। चलो, तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। बाकी चलो चलते इसके अंदर, झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024, यहाँ जाकर देखते हैं क्या यूनिक चीज हमें देखने को मिलता है। देखो ये सारा होममेड यहाँ पे मनाया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? हाथ करगा। अच्छा, एक दर्री बनाने में कितना टाइम लग जाता है आप लोगों को? कितना बड़ा दर्री? इतना बड़ा, ये वाला जो यहाँ पे टंगा हुआ है, ये वाला एक दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, एक दिन लगता है। और कॉस्टिंग प्राइसिंग क्या पड़ता है आप लोगों का? मतलब 800 रुपया। 800 रुपया, तब तो बहुत सस्ता है, जैसा मेहनत उसके हिसाब से तो बहुत सस्ता है। चलिए, आप लोगों का मेहनत देखकर लगता है कि ये सब चीजों को आदमी जिस रेट में बोले एक बार में ही ले ले, क्योंकि ये होम मेड है, आप लोग अपने हाथों से बनाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो भाई साहब, यहाँ पे कैटरपिलर वाला जो है ना, उससे यहाँ पे धागा बनाया जा रहा है। किस तरीके से देख सकते हो, ये बनाया जा रहा है। देखो भाई साहब, इससे कैसे धागा बन रहा है वो देखो भाई साहब, वो देखो, देखो कैसे निकल रहा है धागा उससे, वो ना कैटरपिलर वाला है, ठीक है, और उससे धागा बन रहा है। ये सब यूनिक चीज हमें आदिवासी दिवस में ही देखने को मिलते हैं। देखो, यही कॉकून है जिसे कैटरपिलर बोलते हैं। बाहर का टी शर्ट भी यहाँ पे मिल सकता है आपको, ड्रैगन फ्रूट कहते हैं इसे भाई। ये जो पार्क है ना, ये पूरा जेल था, और देखो अब पूरे पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया इसे। देखो भाई साहब, यहाँ पे आदिवासी ट्रेडिशनल फूड्स भी आपको मिलने वाले। देखो ये है छिलका, इसको छिलका बोलते हैं, और ये चिकन है, और वो पता नहीं क्या खिचड़ी टाइप में लग रहा है। आप भी बताना कौन कौन गोरगोरा रोटी खाए हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओ भाई साहब, ये क्या है? देखो छतरी, हम लोग ना प्लास्टिक वाला छाता यूज करते हैं, बट देखो यहाँ पे भाई साहब पत्ते वाला छाता बनाया गया। देखो भाई, ये है बिल्कुल भी नेचुरल छतरी, यानी कि पहले जमाने में लोग ऐसे छतरी को यूज करते होंगे खेती बाड़ी करने के लिए, ताकि पानी जब आए ना तो उनका बदन भीग ना सके, इससे वो लोग बचते थे। आज की डेट में तो भाई एक से एक यूनिक छतरी आ चुके हैं, बट देखो पहले जमाने में कुछ ऐसा छतरी को यूज किया जाता होगा। भाई साहब ट्रेडिशनल देख सकते हो, हमारा आदिवासी ट्रेडिशनल है पूरे झारखंड का। सो हमारे यहाँ ऐसा ऐसा चीज देखने को मिलेगा जो कि शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे नीतीश भैया भी मिल चुके हैं। सभी को नमस्ते, जोहार, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, आज देख सकते हैं। साहिल कैसे हो? बहुत बढ़िया। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग। अच्छे लग रहे हैं आप। मैं ना आपका पिछले बार ब्लॉग देखा था, ये वाला, तो मैंने सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए, इस वजह से मैं आया यहाँ पे। बाकी ये भी ले सकते हैं आप एक बार। अच्छा सा। कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है भाई? अरे भाई, फूल उल्टे कब चल जा रहा है? तो यहाँ पे इतना अच्छा पौधा लगा हुआ है, इसमें सब चल रहा है। मैम ब्लॉग चल रहा है, हाई कर दीजिएगा। ब्लॉग चल रहा है। इंग्लिश दिस इज अ ब्लॉग। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? मिजोरम। Zoram. Mizoram. Acha, Mizoram. Okay, you are from. Nice to meet you. Nice to meet you too. मैं मोंटिक। भाई साहब, इसी दिन के लिए इंग्लिश पढ़ना था भाई। बड़ा अफसोस हो रहा है, मेरी इंग्लिश तो आता है, कुछ नहीं बात करने सके यार। अरे भाई साहब, देखा गाइस, इंग्लिश पढ़ना कितनी बड़ी बात है भाई। इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात है यार। आप हर लोगों से कन्वर्सेशन कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश आता हो तो। भाई इंग्लिश नहीं आता क्या करे, साइड हो गए। पता नहीं आया हमको भी, हम भी बात नहीं कर पाए, वो भी बात नहीं कर रहे थे सही से मेरे से। बोलती है कि इंग्लिश में बात करो, मुझे आएगा तब तो। कहाँ चले? हो गया काम? पता है, मुझे लगा था ना कि मेरा बैग तो आज गया, लेकिन भाई सही सलामत सेफ है, रोड के किनारे भी। अब चलो यहाँ से चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का ये ब्लॉग दूसरे दिन शूट हो रहा है। कल आदिवासी दिवस बनाकर हम लोग काफी ज्यादा थक गए थे, रात में आकर मैं सो गया था, और आज मेरे बैग का भाई साहब बहुत बड़ा इशू को मैं खत्म करवाने जा रहा हूँ। ये जो चैन इस पॉकेट वाला इशू है, जो बहुत बार बार आवाज़ करता है, एक राइडर के लिए
बैक में आवाज ना समझ लो एक इरिटेशन है, मतलब बार बार इरिटेशन होता है मेरे को कि ये आवाज कब खत्म होगा कब खत्म होगा। सो चैन स्पोकेट चेंज करवाना पड़ेगा भाई साहब, 3,000-3,500 का खर्च आ रहा है भाई, बैक पालना बहुत इजी काम नहीं है मेरे दोस्तों। और कल रात भर ना गाइस मुझे नींद नहीं आया, पता नहीं थके हुए थे इस वजह से या बैक को कल बनवाने इस एक्साइटमेंट में नींद नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली गाइस मैं सर्विसिंग सेंटर पहुंच चुका हूं और इस बार ना मैं ऑफिशियल वाला सर्विसिंग सेंटर नहीं गया हूं, क्योंकि वहां का सर्विस सच बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। वो लोग बोल रहे थे कि आप अपने ब्लॉग में मत डालना नेगेटिव रिव्यू। क्यों नहीं डालूंगा भाई मैं नेगेटिव रिव्यू, मुझे नहीं पसंद आया आपका सर्विस तो मैं डालूंगा। और आज मैं आया हूं दूसरे वाले सर्विसिंग सेंटर में, अपना ऑफिशियल सेंटर नहीं गया मैं, तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ का सर्विस कैसा रहता है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ का रेटिंग बताऊंगा। ये है कोकर सर्विस सेंटर। मेरा ना चैन बहुत आवाज़ कर रहा है, लीजन बस ये आवाज़ हट जाना चाहिए, मेरे को आवाज़ से प्रॉब्लम है। अब इसमें चेंज होगा चैन स्पोकेट या क्या होगा मुझे नहीं पता, बस जो चैन आवाज़ है वो बंद कर दीजिए। चलो भाई साहब चैन स्पोकेट ही हमारा चेंज होगा पूरा। चलो फाइनली हमारे गाड़ी का काम शुरू हो चुका है भाई साहब, ये पूरा का पूरा चेन स्पोकेट ना वो चेंज होगा, और ये भाई हमारा चेंज कर रहे हैं। चलो भाई साहब चेन का काम फाइनली कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो पूरा नया दिख रहा है, पूरा चेंज हो चुका है भाई साहब यहाँ से लेकर वहाँ तक।